हाय, ये कहानी इंसान, जॉम्बी और एम्पायर की। धरती पर एक समय ऐसा आता है जिस समय धरती पर इंसान, जॉम्बी और एम्पायर तीनों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उसी समय धरती पर एलियन भी आ जाते हैं और इन तीनों कम्युनिटी को मारने लगते हैं। अब उसके बाद ये तीनों कम्युनिटी एलियन को धरती से कैसे भगाते हैं, चलिए देखते हैं आज के इस मूवी में। मूवी की शुरुआत होती है और हम इंसान, जॉम्बी और एम्पायर इन तीनों कम्युनिटी के बच्चों को एक कॉलेज में पढ़ते हुए देखते हैं। दरअसल इन तीनों कम्युनिटी के बीच यह समझौता हुआ है कि कोई भी कम्युनिटी किसी पर भी हमला नहीं करेगा और ये तीनों कम्युनिटी साथ मिलजुल कर रहा करेंगे। लेकिन इन तीनों कम्युनिटी के बीच क्लास बटा हुआ है। फर्स्ट क्लास पर एम्पायर आते हैं जिन्हें इंसानों का खून दिया जाता है जिससे कि वो इंसानों पर हमला न करे। दूसरी क्लास पर ह्यूमन आते हैं जिन्हें इन दोनों कम्युनिटी से प्रॉब्लम है और तीसरी क्लास पर जॉम्बी आते हैं जिन्हें इन दोनों कम्युनिटियों से दूर रखा गया है। जॉम्बियों को इन लोगों के बीच आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले उनके गले में एक रिमोट डाल दिया जाता है जिससे कि वो कंट्रोल में रहे। अब स्कूल में हम डैग को देखते हैं जिसे एक मालोरी नाम की लड़की पसंद थी। मालोरी डैग को भाव नहीं देती थी और डैग हमेशा मालोरी का पीछा करता था। दूसरी तरफ हम पेट्रा को देखते हैं जिसे एक मिलन नाम के एम्पायर लड़के से प्यार था। पेट्रा मिलन को अपनी प्यार की इजहार करती है और मिलन मान जाता है। अब मिलन पेट्रा को अपने घर ले जाता है। अब दूसरी तरफ हम नेड को देखते हैं जो कि स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। नेड हमेशा स्कूल में टॉप किया करता है, लेकिन उसके पेरेंट उससे खुश नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट उसे एक फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, लेकिन नेड को फुटबॉलर तनिक भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम पेट्रा और मिलन को देखते हैं जहाँ पर एम्पायर और ह्यूमन के बीच मस्ती चल रही होती है। और मिलन जो कि एक एम्पायर होता है और वो अपनी एम्पायरिंग से बाज मानने वाला कहा था, वो पेट्रा को काटने की कोशिश करता है लेकिन पेट्रा उसे मना कर देती है। और मिलन पेट्रा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे एम्पायर होने की खासियत गिनाता है। और पेट्रा उसकी बातों को मान जाती है। और पेट्रा की जब सुबह नींद खुलती है तो मिलन वहाँ से गायब होता है और साथ में पेट्रा की मोबाइल से अपना नंबर भी डिलीट कर गया होता है। और पेट्रा यहाँ पर समझ जाती है कि मिलन ने उसका उपयोग किया ही है और साथ में उसे एम्पायर भी बना गया है। इधर हम डैग को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। डैग अपने विरोधी का बॉल मारता है जिसे देख मालोरी बहुत इम्प्रेस होती है और वह डैग से दोस्ती कर लेती है। इधर हम नेड को देखते हैं जो कि अपने माँ बाप के टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके माँ बाप हमेशा उसे फुटबॉलर बनने को कहते थे और इसी से परेशान होकर डैग एक दिन अपने घर से निकलता है और जॉम्बी के एरिया में चला जाता है। वो जॉम्बियों को देखता है और सोचता है कि जॉम्बियों की जिंदगी कितनी आसान है, बस खाओ और दिन भर पड़े रहो और कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए नेड एक जॉम्बी लड़की को अपना पैर देता है जिससे कि वह काट ले और नेड भी जॉम्बी बन जाए। अब नेड भी जॉम्बी बन जाता है और इस तरह हम देखते हैं कि पेट्रा एम्पायर बन गई है, नेड जॉम्बी बन गया है और डैग को उसका क्रश मिल गया है। इसी के साथ इन तीनों की जिंदगी अच्छी कट रही थी, लेकिन तभी धरती पर एलियन आ जाते हैं। वे इन तीनों कम्युनिटी पर हमला बोल देते हैं। अब अगले दिन इंसानों की मीटिंग होती है और उन्हें लगता है कि एम्पायर ने उन एलियनों को बुलाया है जिससे कि धरती पर सारे इंसानों को मारा जा सके। दूसरी ओर एम्पायरों की मीटिंग होती है और उन्हें लगता है कि इंसानों ने एलियन को बुलाया है जिससे कि एम्पायर को धरती से मिटाया जा सके। तीसरी ओर जॉम्बियों की मीटिंग होती है और उन्हें लगता है कि इन दोनों कम्युनिटियों ने एलियन को बुलाया है जिससे कि धरती के जॉम्बियों को मिटाया जा सके। और इस तरह ये तीनों कम्युनिटी आपस में लड़ने लगते हैं और वे एलियन इन तीनों को मारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेड और उसका क्रश अपने में व्यस्त होते हैं और वे आपस में रंगरलिया मना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एम्पायर हमला बोल देते हैं। लेकिन जैसे तैसे नेड और उसका क्रश वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो एम्पायर इनका पीछा नहीं छोड़ते। वे भागते भागते एक रूम में घुस जाते हैं जहाँ पर पहले से ही जॉम्बियों का ग्रुप बैठा होता है और हाल ही में जॉम्बी बना नेड भी था। लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रा अपनी एम्पायर ग्रुप लेकर आ जाती है और इस तरह ये तीनों ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं और लास्ट में लड़ते लड़ते इन तीनों ग्रुप में से पेट्रा, नेड और डैग बचते हैं। लेकिन ये तीनों अब आपस में लड़ाई फिर से शुरू करते हैं। उससे पहले ही एलियन यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला बोल देते हैं। चूंकि ये घर नेड का एक टीचर का था और वह उसी घर के बेसमेंट में छुपा हुआ था, नेड उससे हेल्प लेता है और वह भी बेसमेंट में इन दोनों को लेकर चला जाता है। अब नेड उस एलियन को देखने के लिए बाहर निकलता है।
लेकिन उसे पॉले, पेट्रा और डेग उस टीचर की बेटी और उसे वहीं पर सुहाग कर देते हैं। अब डेग उन दोनों को समझाता है और इस तरह इन तीनों की रात यहीं पर कट जाती है। अब सुबह जब डेग उन एलियनों को देखने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक एलियन डेग को देख लेता है, जिससे कि इन तीनों को बेसमेंट के बाहरी वाले दरवाजे से वहां से भागना पड़ता है। लेकिन अब सुबह हो गई थी और पेट्रा नेड की टीचर को मारकर उसकी खून पी गई थी और वह पूरी तरह से एम्पायर बन गई थी, इसीलिए वह सूरज की रोशनी में जलने लगती है। लेकिन डेग अपना कपड़ा उतार कर पेट्रा को बचा लेता है और नेड उसे स्कूल में ले जाता है और डैग इन एलियनों को देखने के लिए बाहर ही रह जाता है। अब डैग जब उन लोगों के पास स्कूल में जाता है तो वह बताता है कि वह एलियनों के बीच से होकर आया है, लेकिन एलियन ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब डैग की बातों सुनकर जंबी होते हुए नेड अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है कि शायद एलियन बिना कपड़ों वाले लोगों को अपना खतरा नहीं मानते। अब इसीलिए वे तीनों अपना कपड़ा खोल लेते हैं और एलियनों के बीच से जाने लगते हैं। लेकिन सच में एलियन इन लोगों को कुछ भी नहीं करते और वह सीधे डैग के घर जाते हैं, जहाँ पर डैग के माता पिता नहीं होते हैं, जिससे कि वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक एलियन आ जाता है और नेड को यहाँ से लेकर चला जाता है, जिससे कि ये दोनों काफी दुखी होते हैं। लेकिन नेड वहीं पर फिर से आ जाता है और वह बताता है कि जिस एलियन ने उसे ले गया था वो रास्ते में ही मारा गया, और वह साथ में यह भी बताता है कि रिक नाम का एक आदमी कुछ केमिकल को अपने फैक्ट्री में बना रहा है और वो एलियन उसी केमिकल के चलते इस धरती पर आए हुए है, जिसके बाद ये तीनों रिक के पास जाते हैं और उसे उस केमिकल को बर्बाद करने को कहते हैं। लेकिन रिक अपना केमिकल बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन इसी बीच नेट मौका देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड को खा जाता है, जिससे कि निक काफी गुस्सा होता है और इन तीनों को धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। अब ये तीनों अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वो एलियन दिखाई देते हैं। अब ये तीनों जानबूझकर उन एलियनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसका प्लान जानना चाहते हैं, जिसके बाद वो एलियन इन तीनों को पकड़ लेते हैं और एक बहुत पुरानी फैक्ट्री में डाल देते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं और यहीं पर इन तीनों के माता पिता होते हैं। अब ये तीनों अपने माता पिता से मिलते हैं और उन एलियनों से बचने के लिए उसका उपाय खोजते हैं। अब ये तीनों कम्युनिटी आपस में मिल जाती है और उन एलियनों के घेरा को तोड़ने लगती है, और काफी कोशिश करने के बाद वो एलियनों की घेरा को तोड़ देते हैं और डायरेक्ट रिक के पास जाते हैं। लेकिन एलियन भी इन लोगों के पीछे पीछे रिक के पास आ जाते हैं और रिक उन सारी केमिकलों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसके बाद वे सारे एलियन छोटे छोटे बनकर उस केमिकल में गिरने लगते हैं और वे सारे एलियन मिलकर एक बहुत बड़ा सा एलियन बन जाता है। अब वो बड़ा एलियन इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और वह कहता है कि इन तीनों की लड़ने की वजह से वह इतना बड़ा एलियन बना हुआ है, जिसके बाद उसके सर पर एक केमिकल गिरता है, जिससे कि उससे काफी दर्द होने लगता है, जिससे देख डैग उसके ऊपर केमिकल बिगने लगता है, जिससे कि वो एलियन फिर से छोटा एलियन बन जाता है और यहाँ से भागते हुए अपने स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन एलियन भागने से पहले इन लोगों पर बम छोड़ देता है, जिससे कि डैग उस बम को फिर से स्पेसशिप की ओर फेंकता है और वो स्पेसशिप यहीं पर धराशायी हो जाता है, जिसके बाद इन लोगों का एलियनों का खतरा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।